मंच पर विराजित पूज्य दीवान साहब के चरणों में नमन, उपस्थित अन्य सभी ज्येष्ठ बंधुवर, मातृशक्ति और बंधुओं, ये परिचय सम्मेलन निश्चित रूप से सिरवी समाज का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आने वाले समय में यह पूरे देश के अंदर एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। इस परिचय सम्मेलन में जो परिचय होंगे, जो रिश्ते होंगे, विवाह होंगे और जीवन की दिशा आगे बढ़ेगी। हमारे जीवन दर्शन में जन्म से लेकर और मृत्यु तक संस्कार चलते हैं और उसमें विवाह जीवन का बड़ा संस्कार है। कोर्ट मैरिज होते हैं, वो एग्रीमेंट होता है, और जो सात फेरे हैं वो जीवन में सात जन्मों का साथ होता है, और इसलिए ये जो शुरुआत है ये उन सात जन्मों के साथ की शुरुआत है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए तो एक कब्र पर एक महिला झूला दे रही थी, पंखा दे रही थी, तो उन्होंने पूछा स्वामी विवेकानंद कि मैं आपको प्रणाम करता हूं, अमेरिका में ऐसी नारी जो अपने पति की कब्र पर पंखा दे रही है? उस नारी ने कहा कि स्वामी जी आप भारत से आए इसलिए ऐसा लगता है, मैं अपने पति की कब्र पर पंखा नहीं दे रही हूं, सेवा नहीं कर रही हूं। तो स्वामी विवेकानंद ने पूछा फिर क्या है? उसने कहा स्वामी जी हमारा रिवाज है जब तक पहले पति की मिट्टी नहीं सूख जाती दूसरा नहीं कर सकती, इसलिए इस पंखा दे रही हूं। ये भारत संस्कारों का देश है, ये भारत दुनिया को जीवन जीने की प्रेरणा देने वाला देश है, और इसलिए ये जो परिचय सम्मेलन है ये दिशा देगा इस भारत के सिरवी समाज में जो देश भर में रहते हैं। और परिचय केवल उनका ही क्यों, परिचय तो हमारा भी आपस में जरूरी है। हमारा भी तो परिचय नहीं है आपस में, कई ऐसे हैं यहां पर जो आज पहली बार मिल रहे होंगे, और इसलिए हम भी एक सिरवी समाज के बंधु हैं, हमारा भी आपस में परिचय जरूरी है। और परिचय आपस में तो है ही है, लेकिन परिचय अपने आप का भी जरूरी है कि मैं कौन हूं, मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरी भूमिका क्या है इस सिरवी समाज के निर्माण में, मेरी भूमिका क्या होने वाली है, यह अपने आप का परिचय जरूरी है। केवल चलना फिरना खाना सोना ये पशु भी कर लेते हैं, हम कितने साल जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम कैसे जिए ये महत्वपूर्ण होता है, हमने कितना बटोरा ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमने समाज के लिए कितना बांटा ये महत्वपूर्ण होता है। और समाज की सेवा केवल पैसों से नहीं होती, पैसा एक है लेकिन केवल पैसा नहीं है। यदि हम सफल शिक्षक हैं, यदि हम सफल व्यवसायी हैं, तो हम अपने समाज के बंधुओं को सफल व्यवसायी कैसे बना जाता है उसकी प्रेरणा देकर भी समाज की सेवा कर सकते हैं। यदि हम अच्छी खेती करते हैं तो अच्छी खेती कैसे की जाती है इसकी हम प्रेरणा दे सकते हैं। यदि हम अच्छे आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर हैं तो अपने समाज के युवाओं को देश के लिए अच्छे पढ़कर लिखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। और एक और जो बात है जो देश के युवाओं के लिए है, हम सब माता पिता हैं, हम सब उनके अभिभावक हैं, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। जिस दिशा में भारत जा रहा है, भारत का युवा जा रहा है, उस दिशा में हमको और अधिक तेज गति से बढ़ने की जरूरत है। ये जो पुस्तक है, ये जो परिचय है, इस पुस्तक ये जो आईना है हमारा, ये जो इसका नमूना है कि हमारे देश का युवा किस दिशा में जा रहा है, हम इसका मूल्यांकन करेंगे तब समझ में आएगा कि सिरवी समाज का युवा आने वाले समय में जिस प्रकार भारत जा रहा है, जिस प्रकार चुनौती सिरवी समाज के सामने आने वाली है, उस चुनौती का सामना करने लायक हमारा युवा तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसमें हमारी भूमिका है कि नहीं, वो आज हमारी जरूरत है। और इसलिए हम सब अपने देश के अपने समाज के जो युवा है उनके लिए एक मॉडल है कि नहीं है। हम अधिक उम्र के हो गए हैं, देखता हूं मैं कई गांव में ओटले पर बैठकर कुछ काम नहीं तो ताश के पत्ते खेल रहे हैं। क्या ताश के पत्ते खेलकर हम हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या प्रेरणा दे रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। हमारा एक वाक्य, हमारा एक कदम हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देगा जीवन कैसे जीना है। और इसलिए जेठ की तपती हुई धूप में हमारे देश के युवा, हमारे समाज के जो युवा हैं, जो सिरवी लड़के हैं, उनको हम साथ में छांव बनकर अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही है कि हमारे समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो अगर धूप आएगी तो छांव बनकर हमारे साथ में है, अमावस्या की रात में दीपक बनकर हमारे साथ में है, हमारे समाज के युवाओं को पीठ बल है कि नहीं है पीछे, उनको लगता है कि नहीं कि मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे बहुत बड़ा समाज खड़ा है। आज मैं देखता हूं जब इंदौर में या बाकी शहरों में तो ऐसा लगता है कि हमारे समाज का युवा ऐसा मैं अकेला खड़ा हूं, वो अकेले की अनुभूति क्यों करेगा, हम सब उनके साथ में हैं।
और इसलिए जिस प्रकार की पीढ़ी हमको बनानी है, और हमारी बहनें बहुत पढ़ रही है, निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ रही है, लेकिन मैं बहुत सारे समाज में और क्षेत्र में घूमता हूं, बहनों के सामने भी चुनौती है, और इसलिए उनको भी पथ भ्रष्ट करने का षड्यंत्र देश के अंदर चल रहा है। कई प्रकार की घटनाएं रोज हमारे सामने आ रही है, और इसलिए हमारी बहनों को भी सजग और सावधान और सतर्क रहकर शिक्षित होने की जरूरत है। पढ़ना है लेकिन संस्कारित होकर आगे बढ़ना है, और इसलिए परिचय हम सबका, अपने आप का परिचय कि मेरी भूमिका इस समाज के निर्माण में क्या होने वाली है, वो हम तय करें। 600वां जन्म जयंती वर्ष चल रहा है आई माता का, ये 600वां साल कैसे हम मनाएं पूरे देश के अंदर, ये हम तय करें। कैसे हम इस समाज को आगे बढ़ाएंगे, ये हम तय करें। और समाज की जनसंख्या, और दूसरा होता है समाज का संगठन। ये समाज संगठित है कि नहीं है? एक गांव, बड़ा दुख हुआ मैं जब पहली बार गया उस गांव में, 65% जनसंख्या समाज की एक गांव में, और सरपंच कौन? जो गैर हिंदू, जो हमारे समाज पर अत्याचार कर रहा है। 1 करोड़ का मंदिर और बखरा हुआ हिंदू समाज। मंदिर बड़े होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंदिर बड़े होने से पहले मन बड़े होना जरूरी है, संगठित होना जरूरी है, और संगठित समाज अपनी हर आकांक्षाओं को पूरी कर सकता है, और बिखरा हुआ समाज कभी चुनौती का सामना नहीं कर सकता। इसलिए वो हमारी भूमिका है, उसको हम निभाएं। निश्चित रूप से जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, और परिचय केवल इतना ही नहीं है, तो परिचय जो है वो हमारा है, आपस में है परिचय हमारे पूर्वजों से। ये आई माता का जीवन चरित्र क्या है मुझे भी नहीं मालूम, मैं भी सिर्फ संदेश पत्रिका से पढ़ता हूं। और इसलिए आई माता का जीवन कैसा था, किन परिस्थितियों में, आज से 600 साल पहले जब उनका जन्म हुआ वे परिस्थितियां कैसी थी, निश्चित रूप से बड़ी भयावह स्थिति थी। अगर भारत का इतिहास जो पढ़ते हुए जानते हैं, उन परिस्थितियों में सिर्वी समाज ने अपने आप को बचा कर रखा और आज यहां तक हम पहुंचे हैं। वैसी आई माता का जीवन चरित्र कैसा था, कैसे हमारे दीवान परंपरा शुरू हुई, कैसे हमारे दीवानों ने अपने समाज को आगे बढ़ाया, वो हमें मालूम है क्या? और इसलिए परिचय हमारे सिर्वी समाज के इतिहास से, हमारे सिर्वी समाज की परंपराओं से, हमारे सिर्वी समाज के गौरवशाली परंपराओं और परंपराओं से, वो हमारा परिचय है कि नहीं है? मैं बिलाड़ा के अंदर गया तो वहां विद्यालय के अंदर जो चित्र लगे थे, बड़े प्रेरणादायी चित्र थे, जो हम मैंने पहली बार देखे कि हमारे भी पूर्वज ऐसे थे क्या, ऐसे चित्र लगे थे। मैं बोलकर भी आया था कि इन चित्रों को देश भर के अंदर भेजिए, हम मंदिरों के अंदर लगाएंगे, अपने विद्यालयों में लगाएंगे। और इसलिए हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वज, हमारी परंपरा, हमारा इतिहास क्या है, उससे भी हमारा परिचय जरूरी है। परिचय इस मिट्टी से, क्योंकि हमारे पूर्वज इस मिट्टी से आगे बढ़े हैं। हम सब किसानों की संतान है, धरती पुत्र है। ये धरती जो खेत है ना हमारे, ये मिट्टी नहीं है, ये केवल खेत नहीं है, ये हमारी माँ है। दुनिया के लोगों के लिए मिट्टी होगी, लेकिन हमारे लिए हमारी माँ है। और ये माँ है ना, इसको बिकने मत देना। आज सिर्वी समाज के सामने बहुत बड़ी चुनौती उसकी माँ को, उसकी मिट्टी को बचाने की है, जो उसके हाथ से जा रही है। और इसलिए अगर मिट्टी हमारी चली गई, माँ हमारी चली गई, तो फिर हम बचेंगे कैसे? और इसलिए जो लक्ष्मी जी हमारे घर में है, उसका सदुपयोग, लक्ष्मी पूजा हमने परसों की है, ये लक्ष्मी जी जो पूजा हमारे घर में है, निश्चित रूप से सिर्वी समाज बढ़ रहा है, आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहा है, शिक्षित भी होते जा रहा है। लेकिन जो लक्ष्मी है, इसका हम सम्मान करें, क्योंकि इसलिए मैं कहता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कई जगह पर ये जो शराब है, जो सट्टा है, जो पत्ता है, ये जो पाउच है, ये सिगरेट है, ये हमारे पहचान नहीं है। इसको समझने की जरूरत है कि क्या कहीं हम और हमारी आने वाली पीढ़ी उस रास्ते में तो नहीं जा रही। सजग रहना है, सतर्क रहना है। आइए हम सब मिलकर एक संगठित, समृद्ध, सक्षम, संस्कारित और संकल्पवान सिर्वी समाज का निर्माण करें, जो आने वाले समय में जो भारत जगत गुरु बनने वाला है, उसमें सिर्वी समाज अपनी निर्णायक भूमिका निभाएगा। ऐसे समाज का निर्माण करें, और ऐसे युवाओं के निर्माण में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। यहाँ के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने ऐसा आयोजन किया। आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं, और आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय माता दी।